ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया मदरसा। ये राइट साइड में जहाँ लोग घुस रहे हैं, ये उसका मकबरा जहाँ पर उसकी कब्र आज भी है, जो कि मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस रास्ते से उसका बनवाया हुआ दरवाज़ा दिखाने, जिसे अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और इसके बनवाने का मकसद बताया जाता है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहाँ पर थी, जो उन 21 मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर बनवाई गई थी, उसका पहले उसका स्टार्टिंग किया इल्तुतमिश ने, पहले उसकी स्टार्टिंग की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को दक्षिण में और विस्तार करवाया था, इसको एक्सटेंशन करवाया था। उसी एक्सटेंशन का परिणाम है ये दरवाज़ा, इसको बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। ये एक गुंबदाकार और चार दरवाज़ों वाली इमारत है और इसके चारों दरवाजे लगभग एक से हैं। काफ़ी हिस्से में इसमें संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। काफ़ी सुंदर और बेहतरीन इमारत ये देखने में लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजे के अंदर। जी हाँ, ये एक शानदार इमारत है, चार दरवाजे हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसके आर्किटेक्ट पर गौर कीजिएगा, देखिएगा ये किस तरीके से बनी हुई है। यहाँ ये बात भी और गौर करने लायक है दोस्तों, कि जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्मली आप वे किसी और वीडियो में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी दूर की चीज़ों को भी जूम करके आपके लिए दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अंदर से कैसा दिखता है और कैसी दिखती है इसकी नक्काशी, समझ रहे हो। तो इसके साथ ही कर देता हूँ।